पांच पांच छह छह दस दस ब्रांचेस है, बड़े बड़े कंसल्टेंट है, वो आएंगे कभी आपके घर पे, कभी आपकी खुद की वीजा फाइल वो खुद रखेंगे। आज एक और कनाडा का स्टूडेंट वीजा आ चुका है और आपकी ऑडी आएगी तो हमको पता चल जाएगा कि वीजा आ चुका है। ये बेस्ट गिफ्ट होगा उनके लिए लाइफ टाइम। अभी जा रहे हैं हम लोग मणिनगर, स्टूडेंट मणिनगर से है, मजा आने वाला है उनके घर पे। जब लोग सो रहे होते हैं तभी भी मैं ऑफिस में होता हूँ, जब लोग उठने वाले होते हैं तभी भी मैं ऑफिस में होता हूँ। हमारे खुद के आंखों में जो है पानी आ जाता है कभी कभी, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। आई एम नॉट अ वीजा कंसल्टेंट, मैं एक मेंटर हूँ। બધી જગ્યા છે Congratulations, ma'am. Thank you. Thank you. हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज एक और कनाडा का स्टूडेंट वीजा आ चुका है, उनके घर पे जाएंगे और ये बहुत स्पेशल कैंडिडेट है क्योंकि इनके मॉम ने बताया था कि सर आप जब भी हमारे घर पे आओगे हमको पता चल जाएगा और आपकी ऑडी आएगी तो हमको पता चल जाएगा कि वीजा आ चुका है। बट हम लोग इस बार ऑडी में नहीं जा रहे हैं, अलग कार में जा रहे हैं, सो दैट इनको बिल्कुल भी पता नहीं चले कि उनका वीजा आ चुका है और एंड तक सरप्राइज जो है वो बरकरार रखेंगे। और कल 31st है, आज 30 है, आई थिंक सो ये बेस्ट गिफ्ट होगा उनके लिए लाइफ टाइम। ये याद रखेंगे इस गिफ्ट को क्योंकि 31st कल है और न्यू ईयर से पहले उनका जो कनाडा का स्टूडेंट वीजा है वो आ चुका है जैन 2022 इनटेक के लिए। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इधर उधर घूम रहे हैं, इंक्वायरीज कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 3-4 महीने से उनका वीजा एप्लीकेशन का कुछ भी जो है वो डिसीजन नहीं आ रहा है, बट हमारे स्टूडेंट्स का वीजा जो है विद इन 1-2 months उनका आ ही जा रहा है कनाडा का। सो लेट्स गो, सरप्राइज देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है आई गारंटी क्योंकि वो लोग बहुत एंथुसियास्टिक क्लाइंट है। सो लेट्स गो। So let's go. Are you Sony? We are coming. Mega come. जा रहे हैं हम लोग मणिनगर, स्टूडेंट मणिनगर से हैं। ऐसे तो मणिनगर में भी बहुत सारी कंसल्टेंसीज है बट ये क्वालिटी, ये काउंसलिंग, एप्लीकेशन, वीज़ा, इस बच्चे का मैंने खुद वीज़ा एप्लीकेशन किया था, सबका मैं ही करता हूँ बट ये स्टूडेंट का जो ऑलरेडी एक भाई जो है वो मैंने जर्मनी भेजा हुआ है 2 साल पहले, मज़ा आने वाला है उनके घर पे। दोस्तों अभी है 9:40 हो चुके हैं, उनके पापा का मैंने पता करवाया था तो ऐसा बताया था कि भाई 10 बजे वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। आई डोंट नो कि हम लोग टाइम से पहुंच पाएंगे या नहीं, लेट्स सी। बट मम्मी और जो स्टूडेंट है आयुष सोनी वो तो उधर ही होंगे, मेरे को कम ही पता है दोस्तों। जब लोग सो रहे होते हैं तभी भी मैं ऑफिस में होता हूँ, जब लोग उठने वाले होते हैं तभी भी मैं ऑफिस में होता हूँ। अगर तरक्की करनी है तो सब सो रहे हो तब ऑफिस आओ और जब सब सो गए हो तब ऑफिस से घर जाओ। इसीलिए आपको बोलते हैं वीजा के। जो भी ब्लॉग देख रहा है हमारा ये, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, अब वो क्या लगता है
जिसकी 5-5, 6-6, 10-10 ब्रांचेस है, बड़े बड़े कंसल्टेंट है, वो आएंगे कभी आपके घर पे, कभी आपको सरप्राइज देंगे, कभी आपकी खुद की वीजा फाइल वो खुद रखेंगे, नहीं रखेंगे, मुझसे पूछ लो, आप उनका एक्सप्रेशन देखना, अभी हमारे खुद की आंखों में जो है पानी आ जाता है, कभी कभी ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं कि वीज़ा आने के बाद बच्चों की पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाती है। सो आप हमेशा आपका जो फॉरेन एजुकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो किसी ऐसे पर्सन को दीजिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, खुद उस कंट्री में रह के आए हों या खुद उन्होंने फॉरेन में एजुकेशन लिया हो, सो दैट वो आपको इन डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं। जो कभी कनाडा गया ही ना हो, जो कभी फॉरेन एजुकेशन जिसने लिया ही ना हो, वो आपको क्या बताएगा क्या होता है वहाँ पर, कैसे होता है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ एक वीज़ा नहीं है, ये तो सिर्फ एक फ्लाइट में बैठ के कनाडा चले जाना ये नहीं है, ये एक्चुअल जो आपका स्ट्रगल है ना वो वहाँ पर जाके पता हो आपको पता चलता है। और अगर आपके पास सही मेंटर नहीं होगा ना, आई एम नॉट अ वीज़ा कंसल्टेंट, मैं एक मेंटर हूँ, तो हमेशा आप एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करिए जो आपको एंड टू एंड सपोर्ट जो है वो देता है। सौम्या अपार्टमेंट, अरविंद पार्क, भैरवनाथ। भैरवनाथ भैरवनाथ है कि आम के नाम जो पता है, अगर भी वही नाम जो आम आम जाओ पड़े। दूसरे घर पे हम लोग देने वाले थे सरप्राइज, बट नेम प्लेट से पता चला। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, હમણાં 5 મિનિટ થઈ નીકળ્યા, હા બહેરામપુરા પહોંચ્યા છે, તમે આને એકદમ સાબુ ફોન ના કરતા, એને સરપ્રાઈઝ જ રાખો, કોલ કીધું, કહી દીધું, મારે વિઝા નો રિટર્ન જોઈએ, ચેલેન્જ કરી નાખ્યા છે, અમે ચાલતા કાલુપુર
બધું તૈયારી કરી લીધી છે, બધું રેડી છે. તમે ક્યાં હતા? નીકળી ગયા પાસપોર્ટ લેવા આવ્યા છે એમને તો અમને આપી દો તો અમે ઓફિસ થી મોકલી દઈશું. કીધું તો ના થઈ જશે. ડીલે તો શું આ પ્રોબ્લેમ માં આ ટાઈમ માં બધાનું થાય છે અને આટલી એપ્લિકેશન્સ છે તો નામ જોઈ લઉં તો નામ જોયું તો ત્યાં કોઈ ચૌહાણ. મેં કીધું આ તો સાહેબ તો સોમી છે. સર મજામાં? બસ મજામાં. કેમ છો? બહુ દિવસ થઈ. હા હાલો સર, જોડે આયા થી આજે એમનો આઈ ગયા વિઝા. સૌથી પહેલા તમને ખબર પડી હકદાર તમે છો ને, એટલે સૌથી પહેલા ક્રેડિટ તમને જાય તો એટલે તમને પહેલા ખબર પડી પછી અમને પડી. અરે મને મને ભી એવો તો ગયા 3 તારીખ પછી આવશે. આયુષ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ સો મચ સર. અરે થેન્ક યુ. થેન્ક યુ માસા. ચલો સરસ સરસ. છેલ્લે આ રાહ જોઈ આટલી બધી તો થઈ ગયું. હા ફાઇનલી. ચલો સરસ. હા એક મિનિટ. મમ્મી ક્યાં ગઈ? સર ઘણા ઘણા તમે યાદ કરો છો સર. જો મજામાં રવિભાઈ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મેમ. હા બિલકુલ વિડીયો મોકલીએ. હા વેલકમ મેમ, વેલકમ વેલકમ. અમે ઓલવેઝ છીએ આયોજન, ટેન્શન ના કરતા.
आई जाओ तो आई जाओ।